चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो मान लो स्टार्टिंग यहाँ से है, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। तो मान लो कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर रूट दे रखा है, तो आप बोल सकते हैं कि मतलब कि इसका अपोजिट भी होगा, मतलब कि इसका कंजुगेट एक तरीके से, तो आपको माइनस की फॉर्म में भी दूसरा रूट होगा, तो आपके पास दो रूट हो जाएंगे। ठीक है, आप अगर आपके पास कोई इवन, और यही सेम चीज़ ना इरेशनल नंबर्स के लिए होती है। ठीक है, मतलब आपको कोई इरेशनल नंबर दे रहा होगा तो आप उसका पेयर ले सकते हैं, अगर कोई माइनस की फॉर्म में रेशनल होगा तो प्लस की फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में होगा तो माइनस की फॉर्म में, वो आपके दो रूट होंगे। ठीक है, आपको ये नहीं है कि एक छोड़ के दूसरा ले लेना है। ठीक है, अब मेरे पास एक कोई क्वेश्चन है, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है फॉर्म द इक्वेशन विद लोअर डिग्री विद रैशनल कोएफिशिएंट। आपको ये रैशनल नंबर दे रखे हैं एज टू ऑफ इट्स रूट्स, जो इसके दो रूट्स हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन टू ऑफ इट्स रूट्स है, तो मतलब क्या है रूट्स का, मतलब क्या है कि आपका फंक्शन जो है ना वो ज़ीरो रख कर आया होगा। रूट्स निकलते कब है, जब आप फंक्शन को ज़ीरो के इक्वल रखते तभी तो आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज आती हैं। राइट, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था इन सब के बारे में, लास्ट क्लास भी होगी शायद उसमें। ठीक है, तो रूट्स आपको निकलते कैसे हैं, जब आप एक्स को कोई भी फंक्शन हो आप उसको ज़ीरो के इक्वल रखते, तो आप मान लो आपका फंक्शन ज़ीरो के इक्वल रखते ही आपके रूट्स आए होंगे। तो वो रूट्स कौन कौन से, आपने अपने फंक्शन को, आपको है ना फंक्शन ही निकालना है, आपने अपने फंक्शन को मान लो वो फंक्शन ही है और उसको ज़ीरो रखा, तो आपके उस ज़ीरो रखने पर दो रूट्स हैं। एक तो ये पहला वाला रूट आया टू प्लस रूट थ्री, फिर एक दूसरा रूट आया थ्री प्लस रूट थ्री। बट मैंने आपको अभी बताया था कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं ना वो ऑलवेज अकर इन पेयर्स। तो ये जो अकर हमेशा पेयर्स में अकर होते हैं, तो मतलब क्या इसका भी एक पेयर होगा। ठीक है, तो मतलब क्या इसका ऑल्सो है एक पेयर होगा जो कि माइनस की फॉर्म में होगा, क्योंकि ये प्लस में दे रखा है। तो अंडर रूट के बाहर वाला, मतलब कि अंडर रूट जो होता है ना वो उसका साइन चेंज होता है। ठीक है, सिर्फ ऐसे इसका भी एक पेयर होगा, ये नहीं है कि ये इसका पेयर है, इसका एक सेपरेट पेयर होगा और इसका एक अलग पेयर होगा। इसका पेयर होगा और वो माइनस की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन किसकी बनेगी, तो हमारी इक्वेशन फॉर्म्ड विल बी ऑफ एटलीस्ट, हमारी इक्वेशन बनेगी 4 डिग्री। ठीक है, उन्होंने बोले लोअर डिग्री इक्वेशन ना हो उसे छोड़ो, जस्ट आपको सिंपली ये 4 डिग्री की बनेगी, क्योंकि आपके पास रूट कितने हैं, चार है, चार रूट होंगे तो आपकी चार ही तो इक्वेशन, मतलब कि उसकी हाईएस्ट पावर होगी तो 4 ही होगी। राइट, तो देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर कि अब जब भी आपको रूट से इक्वेशन निकालनी होती है, आपको पता है इक्वेशन से रूट्स कैसे आते हैं, जब उस फंक्शन को जीरो के इक्वल रखते हैं तब रूट्स आते हैं। लेकिन रूट से आपको इक्वेशन पे जाने के लिए आपको उस रूट्स को ना एक्स में से माइनस करना होता है। ठीक है, तो एक्स में से माइनस कर रहे हो आप पहले वाले रूट को, मैं इस वाले रूट की बात कर रही हूँ। ठीक है, इस वाले रूट को एक्स में से आप माइनस कर रहे हो। ठीक है, एक्स में से आपने माइनस कर दिया इस वाले रूट को। ठीक है, क्योंकि ये जो रूट्स होते हैं ना वो एक्स इक्वल टू करके आते हैं, और वो इस तरफ आएंगे तो माइनस में तो आते हैं। मान लो कोई भी आपका रूट दे रखा है एक्स इक्वल टू टू, ये आपका रूट हुआ, ये आपका टू जो है ना रूट है, तो अब मैं इस एक्स को इस तरफ लाऊंगी एक्स के पास, तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो ही तो होगा, तो ये आपका एक फैक्टर हुआ। ठीक है, ये आपके रूट्स है, तो आपको यहाँ पे एक फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो एक्स में से माइनस करोगे। ठीक है, अब ये जो रूट्स है ना याद रखना मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही लिखते हैं आपको। अब एक्स में से इसका कंजुगेट मैं माइनस करवा दूँ, इसका कंजुगेट मतलब कि इसका माइनस फॉर्म वाला, तो एक्स में से इस पूरे रूट को माइनस कर दूँ, टू माइनस टू थ्री। ठीक है, सेम फॉर दिस वन, एक्स में से माइनस कर रही हूँ थ्री प्लस रूट थ्री, एंड सिमिलरली फॉर दिस वन, एक्स में से मैं माइनस कर रही हूँ थ्री माइनस रूट थ्री। ठीक है, और इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये सारी वैल्यू जीरो के बराबर थी, और मैंने मल्टीप्लाई में इसीलिए देखा, आप जानते हैं अगर मैं इसको जब मल्टीप्लाई में होते तो हम सेपरेटली जीरो के इक्वल रख देते हैं। राइट, जब मान लो कि आपके पास कोई दो इक्वेशन हो x माइनस टू और x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, आप क्या करते थे x माइनस टू को इक्वल टू को जीरो पर रखते थे, और यहाँ से x की टू वैल्यू आ गई, ऐसे ही आप x माइनस थ्री के लिए करते थे, x माइनस थ्री को भी जीरो इक्वल रखते थे और यहाँ से आपकी थ्री वैल्यू आती थी। वही सेम चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर, आपको थ्री और टू ये जो दे ये आपको दे रखे हैं, आपको है ना बस इसका उल्टा प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस करना है यहाँ पर, कि आपको इस टू को इस तरफ लिया है तो ये x माइनस टू हो गया, और इस x माइनस टू को कम्बाइंड फॉर्म में लिखने के लिए
आपने इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी है, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब है ना, देखो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ इन दोनों का, तो मैं क्या करूँगी, मैंने इसके ब्रैकेट को खोला, इनके ब्रैकेट को खोला, तो यहाँ पे x माइनस टू आ गया और यहाँ पे माइनस का रूट थ्री आ गया, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया और इसको अकेला छोड़ दिया, अब ये ब्रैकेट सेपरेट, ठीक। अब मैं इसकी बात करूँ, इसका भी मैंने ब्रैकेट खोला और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस रूट थ्री आ गया, मतलब कि मैंने इसका एक सिंगल बन गया एक इसका। सिमिलरली इसके लिए भी करूँगी, यहाँ पे x माइनस थ्री और यहाँ पे माइनस रूट थ्री आ गया, तो इसका एक ब्रैकेट बन गया और यहाँ पे x माइनस थ्री और यहाँ पे प्लस रूट थ्री आ गया और यहाँ पे इसका ब्रैकेट बन गया। जस्ट मैंने इसको ओपन करा है, ठीक है, इसको x के साथ कंबाइन कर दिया टू को और रूट थ्री को सेपरेट कर दिया। अब देखो ये आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी और a प्लस बी, a मेरा ये पूरा होगा x माइनस है, ठीक है, तो ये मेरा a हो गया x माइनस है, तो विच इज x माइनस मतलब कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, मतलब a मैंने इस पूरे को मारा है। ऐसे ही सेम चीज़ मैं इस वाले के साथ करूँगी, तो x माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूँगी अंदर ही अंदर, इसकी मैंने स्क्वायरिंग कर दी, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए विच इज फोर एक्स, ठीक है, और इसका स्क्वायर करूँगी माइनस का थ्री, ऐसे ही सेम एक्स ए स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर विच इज माइनस टू ए बी सिक्स एक्स, और इसको स्क्वायर कर दिए तो विच इज थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब इसके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस में वन, और इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस में सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, और आप इसका आंसर यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, वो भी आपका सही होगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसमें बोल रखा है फॉर्म एन इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स which has 2 plus 3 आया होता। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में दे रखे, आपको सेम वही चीज़ करना है कि इसका एक माइनस में लेना कंजुगेट की फॉर्म में, और ऐसे इसका एक और रूट दे रखा है एज ऑफ इट्स टू रूट्स, एज ऑफ एज यहाँ पे 2 है, ठीक है, एज टू ऑफ इट्स रूट्स, मतलब आपको दो रूट दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको दो रूट दे रखे हैं, तो आप वही लाइन ले दोगे कि फंक्शन जो है मतलब कि ये जो है पेयर्स में आप करोगे तो आपके चार रूट हो जाएंगे 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ कि आपको फंक्शन की फॉर्म में ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ कि आप फंक्शन बनाएंगे कैसे, कि आप x में से माइनस करोगे ये 2 प्लस 3 आया होता, ठीक है, और x में से माइनस करोगे इसका कंजुगेट, मतलब कि इसका माइनस पेयर्स में करोगे ना जस्ट 2 माइनस 3 आया होता, ठीक है। अब इसकी बारी, इसमें क्या करोगे आप, एक्स में से माइनस करोगे 3 माइनस 2 आया होता, ठीक है। अब इसका पेयर मतलब क्या करोगे ना, पेयर में एक्स माइनस 3 प्लस 2 आया होता, माइनस का प्लस में इसका कंजुगेट होगा इज इक्वल टू 0। सेम चीज़ आपको इसके साथ करनी है, आपको ये एक्स माइनस 2 का पेयर बनाना है, आइडेंटिटी लगेगी, ओपन करके आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है, आई होप आप कर लेंगे खुद ही, ठीक है। सो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक है, अब आते हैं इंटीग्रल रूट्स पे, इंटीग्रल रूट्स, तो ये होते क्या हैं इंटीग्रल रूट्स, है ना, मैं आपको डायरेक्टली एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रल रूट्स का, ठीक है, आपको यहाँ पे भी फाइंड करना है, फाइंड इंटीग्रल रूट्स आई आर थ्री बी इंटीग्रल रूट्स ऑफ, ये आपका फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस पे नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो अपन तो ये आपका फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस में नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंट टर्म लिखनी है, कॉन्स्टेंट टर्म आपकी क्या है यहाँ पर 9 है, ठीक है। अब आपको उस कॉन्स्टेंट टर्म के डिवाइजर लिखने हैं, डिवाइजर्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म,
कॉन्स्टेंट टर्म के आपको यहाँ पे डिवाइजर लिखने है, मतलब कि 9 के डिवाइजर, 9 को 1 डिवाइड कर सकता है, प्लस माइनस 1, मतलब कि प्लस वाला भी माइनस वाले भी डिवाइड कर सकता है, 1 2 तो कर नहीं सकता, 3 कर सकता है ठीक है, और एक 9 कर सकता है। तो ये के डिवाइजर्स हो गए। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप एक्स लिखेंगे, यहाँ पर आप फंक्शन लिखेंगे एक्स और यहाँ पर फंक्शन ठीक है। अब एक्स आप मतलब कि ये जो वैल्यूज है ना वो आपके एक्स हो जाएंगे, मतलब कि आपको एक बार माइनस वन रखना है, आपको वन रखना है, एक बार थ्री रखना है, माइनस थ्री रखना है, नाइन रखना है, माइनस नाइन रखना है ठीक है। तो आपको एक्स वो होता है। अब फंक्शन, फंक्शन में आपको जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करनी है। मान लो मैंने यहाँ पे माइनस वन रखा, तो माइनस वन रख के मेरी वैल्यू क्या है ठीक है, माइनस वन रख के मेरी वैल्यू आ रही है 12, मतलब कि मैंने यहाँ पे माइनस वन का क्यूब प्लस में माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री माइनस वन प्लस नाइन, यहाँ ने हाफ मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी तो मेरी वैल्यू आई 12 ठीक है। सेम मैंने यहाँ पे वन की वैल्यू इस रखी जो कि मेरी वैल्यू आई 8 ठीक है। मैंने थ्री वैल्यू रखी मेरी आई 36 और जब मैंने माइनस थ्री रखी तब आई मेरी 0। अब ठीक है, अब जब 0 आपकी वैल्यू आ जाए ना, वहाँ पर आपको स्टॉप कर देना, मतलब कि आपको इन दोनों के लिए अब चेक नहीं करना ठीक है। जब आपका 0 आ जाए तब आपको इसके लिए चेक नहीं करना, ठीक नहीं।